Stay safe and take all proper precaution in pandemic situation of COVID-19. Hi everyone, welcome back to my channel. तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है लेमन पेपर चिकन। चिकन की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे पराठों के साथ खा सकते हो या फिर एज अ स्टार्टर के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन के पीसेस लिए हैं। तो ये चिकन के पीसेस मैंने अच्छे से धोकर ही लिए हैं। तो उसके बाद हमें इसमें डालना है दही। तो दही हम 2 टेबलस्पून ही डालेंगे। तो दही आप फेंट कर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी पानी वाला दही इस्तेमाल मत कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट भी डालेंगे। उसके बाद इसमें जाता है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ये मेनली हम इस पाउडर से ही बनाते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लेमन जूस। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा लेमन जूस भी डाल सकते हैं, तो चिकन को हमारे ज़्यादा टैंगी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया पत्ता डाला है बारीक कट किया हुआ। फिर ये मैंने रोस्टेड कसूरी मेथी ली है, उसे हम इस तरह से हाथों पर क्रश करके डाल देते हैं। कसूरी मेथी का भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो लास्ट में हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। और ये जो हमने मसाला तैयार किया है वो चिकन के पीसेस को अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हम हाथों से ही इसे लगा लेते हैं। मसाला कोट होने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट होने देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी साइड में रख सकते हो। तो अब आधा घंटा हो चुका है, इसे हमें रोस्ट कर लेना है। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में हमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं। तो मसालों में मैंने लिया है 3-4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और यहाँ पर आप काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब हम इसे 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि इसके जो फ्लेवर्स है वो तेल में उतर जाए। उसके बाद हमें डालना है 1 टीस्पून बारीक कट किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून बारीक कट किया हुआ अदरक। अदरक और लहसुन को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो इसे हम 1-2 मिनट के लिए और चला लेते हैं। और फिर हमें इसमें डालने हैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। तो ये मैंने 2 हरी मिर्च ली हुई है। तो हरी मिर्च को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा भूनना है। तो हरी मिर्च के बाद हमें इसमें डालना है मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो चिकन हम इसमें डाल देते हैं और चिकन के साथ जो मसाला होता है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो पूरा का पूरा मसाला हमें इसमें डाल देना है। और फिर हम इसे पैन में ही इधर उधर कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जिस बोल में मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था उसी बोल में थोड़ा सा पानी लिया है, वो भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही में से भी पानी रिलीज़ हो चुका है और चिकन भी अपना पानी छोड़ता है। तो एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसी पानी में ये चिकन कुक हो जाता है। तो बिल्कुल ड्राई होने तक हम इसे हाई फ्लेम पर चला लेते हैं। तो कुछ 5 मिनट लगेंगे इसे पूरी तरह से ड्राई होने में। चिकन हमारा पानी के साथ थोड़ा सा कुक हो गया है लेकिन हमें इसे और कुक कर लेना है। तो इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए गैस पर रख देते हैं। तो लो फ्लेम पर ही इसे हमें कुक कर लेना है। तब तक हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना लेते हैं। तो एक बोल में मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें हम आधे कप के करीब पानी डाल देंगे और इसकी एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी को रखते हैं साइड में और इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट आने चाहिए। और 15 मिनट में मैंने इसे 1-2 बार ओपन करके चला भी लिया था। तो अब इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट तो आ गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी। स्लरी एक बार अच्छे से मिक्स करिएगा क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे जम जाता है। तो कॉर्नफ्लावर स्लरी स्टिकी होने की वजह से जो मसाला है वो चिकन के ऊपर चिपक जाता है। चिकन थोड़ा सा शाइनी दिखता है और टेस्टी भी लगता है। तो आप भी कॉर्नफ्लावर की स्लरी को ज़रूर ऐड करिएगा। और कॉर्नफ्लावर की स्लरी मैंने 2 मिनट तक पकाई है। तो उसके बाद हम चिकन कुक हुआ है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो चिकन हमारा पूरी तरह से कुक हो गया है। तो लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो ये 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर जाएगा और हरा धनिया पत्ता भी डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फिर से नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं।
अब इसे और 2 मिनट के लिए हम पैन में रोस्ट कर लेते हैं और फिर प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारा गर्मा गर्म लेमन पेपर चिकन तैयार है। बहुत बहुत डिलीशियस बनता है, ज़रूर ट्राई करने की रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार खाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। ये इतनी टेस्टी डिश है। प्लेट में निकालने के बाद फिर से धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर लेते हैं और आप इसे टमाटो केचप, शेजवान चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व करें। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। रेसिपी आपको आज की पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।